व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। वाओ, रियली? मुझे तो अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, वेरी फनी। अच्छा, निखिल से मिलने में मेरी हेल्प करोगे? आई विश कर सकता, लेकिन मेरे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। झूठ मत बोलो। झूठ? अब इस बात के लिए कोई झूठ क्यों बोलेगा? मुझे पता है तुम उसकी हेल्प कर रहे हो ये सब सेटअप करने में। अब बात बाहर तक आई गई है तो कोहली लेडीज का क्या रिएक्शन है? सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है अंदर। कोहली लेडीज ना पागल हो गई है खुशी से, बस नाचना बाकी है। जिसकी कसर वो खा पी कर निकाली जा रही है। वाओ, फिर तो मुझे अंदर होना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, हमारी डाइट कॉन्शियस रिया कोहली क्या क्या खा रही है? ओटमील एंड फ्रूट्स। नो, शी इज हैविंग अ प्लेट फुल ऑफ पकोड़ास, आलू गोभी पनीर सब कुछ खा रही है। लगता है बच्चा निखिल पे जाएगा। अभी से ही अपनी माँ को कन्वर्ट कर लिया। हाँ, लेकिन उसने निखिल को डाइट पे रखा। बेचारा निखिल जीजू। सैंडी? या? मैं सोच रही हूँ तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूँ। और इन गोल्डन वर्ड्स की वजह जान सकता हूँ मैं? बिल्कुल, मैं अकाउंट चेक कर रही थी और तुम्हारे ज्वाइन करने के बाद बाकी हमें काफी प्रॉफिट्स हुए। सी, मैंने कहा था ना, तुम अपने फंड्स को गलत चीजों में लगा रही हो। मैंने उन्हीं फंड्स को सही जगह लगाया। There you have it. क्या कहा तुमने? गलत चीजों में? क्या मतलब है तुम्हारा? सी, मेरा मतलब क्लियर है। आवा, तुम अपने हॉस्पिटैलिटी सेंस में जितनी सुपर्ब हो ना, उतना ही तुम्हारा बिजनेस सेंस वीक है। Did you just say that? और ये तुम्हारे दाल चावल खाने वाले दिमाग में ज्यादा है बिजनेस सेंस? I mean, ये कौन तय करेगा कि केवल बटर चिकन खाने से आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है? Of course करता है,